नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि धीर के हाथी में पहले सेंट्रल नाला ओपन होने की वजह से गाड़ी नहीं जाती थी, मगर आज नाला अंडरग्राउंड होने से यहां धीर साहब के मकान तक सीधी गाड़ी पहुंचती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने के लिए धीर परिवार ने बहुत योगदान दिया है। अनिल विज धीर के अहाते में धीर परिवार एवं क्षेत्रवासियों की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अम्बाला छावनी में वे जनता के बदौलत ढेरों विकास कार्य करवा सके हैं और आगे भी ये प्रकल्प निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और RSS में काम करने की घूटी दी जाती है। वे विद्यार्थी जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से RSS के साथ जुड़े हैं और हमेशा ही उन्होंने काम को ही प्राथमिकता दी है। इससे पहले गृह मंत्री अनिल विज के धीर के अहाते में पहुंचने पर भाजपा व्यापार मंडल के प्रभारी एवं सदर मंडल के उपाध्यक्ष हैप्पी धीर एवं परिवार सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा सदर मंडल प्रधान राजीव गुप्ता, डिंपल, ललित चौधरी, सुरेंद्र तिवारी, बब्बू सोनी और इकबाल ढांडा समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हम भी पुणे को एक साल पर फेंके ताकि अपने गली मोहल्ले की सफाई का हम भी ध्यान रखें। तो जहाँ पर पेड़ पौधे लग सकते हैं वहाँ पर आप पेड़ लगाएं, तो यह हम कराएंगे, लेकिन लगाएं आप ताकि हमारा शहर भी सुंदर दिखे, खूबसूरत दिखे। सरकारी योजना भी मैंने बनाई है, आज आपने मुझे अपने बीच आने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सबका आभार समस्या। शहरों में कार पार्किंग की है तो उसके लिए भी कार पार्किंग बनाकर देनी हुई है, उसमें लिफ्ट पर लगना बाकी है, लिफ्ट के टेंडर हो रहे हैं। मैं ऐसी लिफ्ट लगाना चाहता हूँ कि कार भी लिफ्ट में जाए और बटन दबाए आदमी, उसको पता लग जाए कौन से फ्लोर पर कौन सी जगह खाली है और खुद ही बिना किसी आदमी के वो वहां पर जाके कार खड़ी कर सके और अपनी कार को नीचे ला सके। लोगों से दस सावन में अजब बात हुई, मेरा घर छोड़ सारे शहर में बरसात है, तो वो पीड़ा थी कि हमारे शहर में भी विकास होना चाहिए और मौका मिलते मैंने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया। अनेकों प्रकल्प जिनको आप जानते हैं, और मैं चाहता था कि मैं अपनी गाड़ी धीर साहब के मकान के आगे तक रखूं, क्योंकि पहले कभी ये गाड़ी जा नहीं सकती थी, अब ये गाड़ी जा सकती है घर के दरवाजे तक। पहले हम नाला क्रॉस करके था, अभी धीर साहब ने कहा कि वे साहब दिन रात काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में RSS में एक उनकी डील काम करने का। मुझे याद है मैं विद्यार्थी जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।